नमस्कार दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत आप सभी का। दोस्तों आपको बता दें, इस समय जो भारत और पाकिस्तान को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों आप ये तो जानते हो कि पाकिस्तान हमेशा से अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और ऊट पटांग हरकतें करता रहता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, भारतीय सेना भी है जो उनको मुंह तोड़कर जवाब देने में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान है जो कि कंगाल देश बन चुका है, वो सरसर लेकर पांव तक है जो कि कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये इस चीज़ की तो सोचता नहीं है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि इस समय पूरी देश और दुनिया ये जान चुकी है कि पाकिस्तान इस समय एक ऐसा देश बना हुआ जो कि आतंकवाद को पालता है और आतंकवाद को पना देता है। आपको बता दें कि इसीलिए पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत के साथ कहीं देश मजबूती के साथ खड़े हैं और भारत भी इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में है। आपको बता दें कि भारत ने कहीं बार है जो पाकिस्तान को मुंह तोड़कर जवाब दिया और उनके घर में घुसकर मारा है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि इस समय है जो कि भारतीय सेना भी पूरी तरीके से तैयार है। और आप ये भी जानते हो कि भारतीय सेना के खेमे में अब 4 फ्रांसीसी राफेल भी शामिल हो चुके हैं, जो कि दूर तक निशाना लगाकर है जो कि दुश्मन को उसी के घर में घुसकर मार सकते हैं। आपको बता दें कि 4 फ्रांसीसी राफेल आने के बाद तो पाकिस्तान की और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, अब चीन और पाकिस्तान ये समझ ले कि अगर वो आज के नए हिंदुस्तान और नए भारत से पंगा लेगा तो उल्टी उनके ही मुंह की खानी पड़ेगी। इस समय दोस्तों आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान संबंधों में कुछ दिनों से आ रही गर्माहट पर इमरान खान सरकार ने एक बार फिर से ब्रेक लगाकर दोनों देशों की दूरी बढ़ाने का काम किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने ऐसा दरअसल भारत के साथ व्यापार करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले शुरू हुई दोनों देशों के रिश्तों की गर्मावट से इससे कम हो सकती थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 25 जनवरी 2021 दोनों देशों में है जो डायरेक्ट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के बीच वार्ता हुई थी। आपको बता दें कि इसके बाद दोनों देश सीमा पर शांति माइल को लेकर मिसाल। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस समय और भी अधिक जानकारी के लिए बने रहे आप हमारे साथ और आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम।